आज जी हमने बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक किस्म की एक चीज़ बनाई है जो कि आप देखेंगे, पूरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा, और जब आप इससे प्यार करेंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि वाकई आपने कोई चीज़ बनाई है। बहुत ही सस्ती सी निहारी है और यह है चावलों की पीच की निहारी। तो किस तरह बनाई है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को स्किप नहीं करना है आपने। आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपने अगर स्किप कर दिए तो फिर आप इस तरह की चीज़ नहीं बना सकेंगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो इसके अलावा आपने फीडबैक में बताना है आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए आइए तैयार करते हैं चावलों की पीच की निहारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुश खुरम होंगे। थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे होंगे आप क्योंकि कुकर चल रहा है, उसकी आवाज़ है। तो आज मैं आपको बहुत ही अनोखी सी वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, बहुत अनोखी सी रेसिपी है। तो वो ये है कि मैं आज चावल बनाऊँगी, चावल उबालूँगी और उसके एक चीज़ से दो चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊँगी, यानी कि चावलों की पीच से मैं आपको निहारी बनाना भी बताऊँगी। तो ये मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, धोकर अच्छी तरह भिगोया हुआ है मैंने। यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है और तकरीबन 10 गिलास पानी है क्योंकि मुझे चावलों के बाद पीच काफ़ी सारी चाहिए। तो मैं 10 गिलास पानी है तो इसको बॉयल आता है तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इसी पानी में मैं नमक शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1, 2, 3, 4, 5 चाय के चम्मच जो है वो मैंने नमक शामिल किया है 1 किलो चावलों के लिए। तो इसको बॉयल आता है तो मिलती है। पानी को बॉयल आ गया है तो मैं इसमें चावल शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम चावल शामिल कर दूंगी। चावलों को बॉईल आ रहा है और जब चावल एक कनी रह जाएंगे तो हम इनकी पीस जो है वो किसी बर्तन में निचोड़ लेंगे। चावल हमारे आगे हैं एक कनी पर, अब हम इनकी पीस निकाल लेते हैं। तमाम चावलों की पीस निकाल ली है जी, अब हम इसको दम लगा देते हैं चावलों को तकरीबन 6 से 7 मिनट लो फ्लेम। ये हमने पीस निकाल रही है, अब हम इसका सालन तैयार करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर तकरीबन 4 खाने के चम्मच घी डालकर रखा है गर्म होने के लिए, क्योंकि इसमें घी हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, इसकी लुक भी अच्छी आती है और आपको पता है कि निहारी में घी ही ऊपर आ रहा होता है। तो यकीन करें कि निहारी का टेस्ट आएगा, सिर्फ बोटियाँ नहीं होंगी इसमें, बाकी सब कुछ वैसा होगा। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम पीच तो ज़ाया कर देते हैं लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है, इसमें बहुत सारे विटामिन और कैल्शियम वगैरह होते हैं, जो भी अज्जा होते हैं चावलों के, प्रोटीन वगैरह वो सारे इसमें मौजूद होते हैं जो कि हम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन जब आप इसका सालन बनाएंगी तो एक तो आपको सालन भी मिल जाएगा और दूसरे आपको इसके फ़ायदे भी हासिल हो जाएंगे, तो ज़रूर आपने ये ट्राई करना है। तो घी हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालते हैं, बिल्कुल एक छोटी सी प्याज है मैंने इसको पीस लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, फ्राई करेंगे इसको। ब्राउन हो गई है तो इसमें हम 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। एक से दो मिनट सुनाएंगे। तो वह दरमियाने साइज के टमाटरों का पेस्ट बना लिया है, ये भी शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको मसाले बता देती हूँ जी। फिलहाल जो मसाले डलेंगे तो वो अभी की मैं अभी आपको बता रही हूँ, लेकिन साथ साथ आप पूरा फॉलो करना है, अपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि मसाले जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप डलेंगे। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आपने इसमें नमक नहीं डालना, क्योंकि नमक ऑलरेडी हम शामिल कर चुके हैं चावल बॉयल करते हुए, तो ये उसकी पीच है। तो इसमें जो है नमक ज़्यादा हो सकता है, आपने बाद में डालना है अगर आपको ज़रूरत पड़ी। अगर आपने चेक किया उसको और उसमें नमक आपको कम लगा तो आपने उस वक्त नमक शामिल कर देना है, थोड़ा सा पका लेना है उसके बाद नमक डालकर। तो फिलहाल इन मसालों में नमक नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने लिया है, ये है सौंफ, ये आधी चाय का चम्मच सौंफ है जिसको मैंने पीस लिया है।
एक दो चुटकी अजवाइन है जिसको पीस लिया है, डेढ़ चाय का चम्मच ली है लाल मिर्च का पाउडर, आप अपनी मर्जी के मुताबिक लें जितना आपको अच्छा लगता है, और ये है जी ज़ीरा पाउडर, सॉरी ये है गरम मसाला पाउडर जो कि आधा चाय का चम्मच है, आधी चाय की चम्मच हल्दी है, एक चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया है। तो फिलहाल ये वाले मसाले जो हैं वो यहाँ जाएंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बाकी जो हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये वाले मसाले चले गए इसमें और आपने इसको अच्छा सा फ्राई करना है, कोई मसाला कोई लम्स इसमें नज़र ना आए, मसाला जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए इतना आपने इसको भूनना है। यकीन करें बहुत ही मज़े का आपका ये निहारी वाला सालन जो है वो तैयार होगा, सिर्फ बोटियाँ नहीं होंगी इसमें, बाकी जो है वो बिल्कुल टेस्ट वही आएगा, गरम गरम खाएंगे नान के साथ या रोटियों के साथ तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं और इसको बहुत ही अच्छा सा भून लेते हैं। अब देख रहे हैं इसकी ग्रेवी किस तरह की है, लेकिन हमें अभी इसको और ज़्यादा भूनना है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा भून गया है, मुलायम हो गया है बिल्कुल, यानी कि बहुत ही अच्छा सा भून गया है। तो यहाँ पर हम शामिल करते हैं पीच जो कि ठंडी भी हो चुकी है हमारी, देखिए आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी ये जम भी रही है, तो हम यहाँ पर शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि पीच जो है वो ज्यादा गाढ़ी है हमारी, इतना गाढ़ा नहीं चाहिए, देखें अभी भी गाढ़ी है, तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ठीक है, और इसको चलाएंगे और इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। लेकिन पकाने के साथ साथ हम इसमें जो मसाले शामिल करेंगे वो आप देख सकते हैं, ये है एक चम्मच ज़ीरा पाउडर, और ये आधी चाय की चम्मच जो है वो काली मिर्च का पाउडर है, और एक चुटकी टार्टरी है जो खट्टी होती है बहुत, टार्टरिक एसिड ये वो है, तो इसमें शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ठीक है, और इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे और इसको पकने देंगे लो फ्लेम पर ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट, और आप चाहें इसकी थिकनेस को और कम कर सकते हैं और पानी शामिल कर सकते हैं, और नमक चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पर आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। तो बॉयल आने पर हम इसको ढककर हल्की आंच पर रख देंगे। देखिए जी 10 से 15 मिनट पकाया है, तो यहाँ पर हम मज़ीद आधा चाय के चम्मच गर्म मसाला पाउडर छिड़क कर इसको तकरीबन 3-4 मिनट का दम लगाएंगे दोबारा से। 4 मिनट हो गए हैं, ढक्कन उठाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीच की निहारी जो है वो मुकम्मल तैयार है, और आप इसमें धनिया और हरी मिर्ची जो है वो इस पर ना डालें, अलहदा से डालें जब आप सर्व करें, उस वक्त साथ रख दें अदरक हरी मिर्ची और धनिया वगैरह, क्योंकि निहारी पर इस तरह नहीं डालते, लीमू निचोड़ के खा सकते हैं, रोटियों के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहें तो बॉयल्ड राइस पर आप इसको डालकर खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है आप लोगों ने, फीडबैक में आपने बताना है आपको कैसी लगी है आज की रेसिपी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।